بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت بالله ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम हुआ, उसका एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसके घर के अंदर आने की तौफीक नसीब फरमाई। ये अल्लाह ही का फ़ज़ल है, अल्लाह ही का एहसान है, और अल्लाह ने हम सबको ये जुमा का दिन अता फरमाया और हमें उसके एक अहम अहकाम, एक अहम हुक्म जुमा की नमाज़ को अदा करने के लिए हम सबको जमा फरमाया। ये जुमा का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल आए हैं। पिछली कौमों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मखसूस दिन दिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी ये मखसूस दिन दिया है कि जुमा का दिन बता दें कि मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। ये एक हफ्ते की ईद है जुमा का दिन, कि मुसलमान जुमा के दिन गुस्ल करके ना धो के सुबह सवेरे गुस्ल वगैरह से फारिग होकर, अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर, जितना भी हो सके उसको जल्दी से जल्दी मस्जिद के अंदर आना चाहिए और जुमा की नमाज़ के लिए गोया पूरा बस्ती वाले, पूरे गांव वाले एक जगह जमा होते और जुमा की नमाज़ को अदा करते। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि आपकी उम्मत पर, यानी आपके इस्लाम के अंदर एक आयत नाजिल हुई है, जो मैंने आपके सामने अलियोम अकमल तू वो आयत पढ़ी कि अगर ये हम पर नाजिल हुई होती तो हम उसको दिन ईद का दिन बना लेते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन उन्होंने फरमाया कि ये दिन, ये जिस दिन ये आयत हम पर नाजिल हुई थी वो तो हमारे लिए दो ईदें थी, क्योंकि एक तो अरफा का दिन भी था और एक जुमा का दिन भी था। तो उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि मैंने आज तुम पर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, तुम्हारे लिए पसंद किया वो दीन इस्लाम को पसंद किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सब को, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम तमाम को दीन इस्लाम के अंदर पैदा फरमाया है, मजहब इस्लाम के अंदर, और ये एक अजीम शान मजहब है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मजाहिब हैं, लेकिन मजाहिब कैसे हैं हम सब जानते हैं, लेकिन हक मजहब और सच मजहब, सच्चा दीन वो इस्लाम है। और जो भी इस इस्लाम के ऊपर चलेगा, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर हाल के अंदर, दोनों जहाँ के अंदर कामयाबी अता फरमाएंगे। और साथ ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा फरमाया है कि अब कोई नबी आने वाला नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, नबियों के सिलसिलों को ख़त्म करने वाले, और अब कोई उम्मत आने वाली नहीं है। अल्लाह ने हमें इस उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है, तो अल्लाह ने जब हम उस उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ है कि हम खुद भी अल्लाह के हुक्मों पर चले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को सुन्नत शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें। और जब हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है उसके मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये दुनिया की जो छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी है उसके अंदर भी हमें कामयाबी अता फरमाएंगे। क्योंकि दुनिया की कामयाबी यही कामयाबी है कि इंसान को यहाँ पे दुनिया के अंदर रहते हुए चैन सुकून राहत इत्मीनान से आराम से ज़िंदगी गुजारे, वरना दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास माल भी बहुत सारा है, दौलत भी बहुत ज़्यादा है,
जमीन जायदाद और विरासत भी बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े अहदेदार इंसान है, लेकिन उनकी जिंदगियाँ दीन से खाली है, उनकी जिंदगियाँ अल्लाह के हुक्मों से खाली है, वो नमाजों से दूर है, रोज़ों से दूर है, ज़कात से दूर है, जितने भी अहकाम है उनसे दूर है, और उनकी ज़िंदगियों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नहीं है, जिसकी वजह से वो दुनिया के अंदर सारी सहूलतें और सारी फैसिलिटी होने के बावजूद उनकी दुनिया तंग बनी है, उनकी ज़िंदगी तंग बन गई है, उनको नरम नरम बिस्तर के ऊपर भी अच्छी तरीके से नींद नहीं आती, उनको एयर कंडीशनर और एसी वाले रूमों के अंदर भी उनको अच्छी तरीके से नींद नहीं आती। वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने दीन को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को गुजारा। और एक छोटा सा इंसान है जिसके छोटा सा एक छप्पर वाला घर है, कच्चा और मिट्टी का घर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकाम है, नबी के तरीके, उसकी ज़िंदगी में सुन्नत शरीयत है, वो अपनी ज़िंदगी को जैसी अल्लाह ताला चाहते हैं उसके मुताबिक गुजारता है, जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर गए उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो उसको उस छोटे से छप्पर वाले घर के अंदर, एक मिट्टी वाले घर के अंदर भी उसको आराम से नींद आ जाती है। और यही दुनिया की कामयाबी है। और आखिरत की कामयाबी क्या है कि आखिरत के अंदर इंसान हमेशा हमेशा कि जो जहन्नम से बचकर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जाने वाला बने, और यही इंसान की कामयाबी है। वहाँ फिर इंसान जब यहाँ से मौत आ जाएगी तो मौत के बाद वहाँ तो फिर आखिरत में मौत को भी मौत दे दी जाएगी, वहाँ फिर वापस दुनिया के अंदर आना नहीं होगा कि इंसान वहाँ जाकर सोच ले कि मैं तो अल्लाह से कहूँगा और इंसान ये कहे कि अल्लाह तू मुझे वापस दुनिया के अंदर भेज दे, मैं तेरी मान कर ज़िंदगी गुजारूँगा, तू मुझे वापस भेज दे जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका बताकर गए मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा, लेकिन वहाँ फिर मौका नहीं मिलेगा। आज हमारे पास एक मौका है, हमारे पास एक गोल्डन चांस है, अगर हम इस मौके को गनीमत जानते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत की जो लामहदूद ज़िंदगी है वो भी कामयाब हो जाएगी। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मौका दिया है। ये ज़िंदगी कितनी है इंसान को पता नहीं है, हम में से हर इंसान को अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ हर एक इंसान को मालूम है कि मैं कब पैदा हुआ था, मैं 2000 के साल में पैदा हुआ था, मैं 1999 में पैदा हुआ था, हर एक इंसान को मालूम है, लेकिन इंसान कब मरेगा इंसान को मालूम नहीं है। तो अल्लाह ने ये मौका दिया है जो, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया है कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान होगी। आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि छोटा बच्चा भी चला जा रहा है, बड़ा भी चला जा रहा है, जवान भी चला जा रहा है, औरत भी चली जा रही है, हर तरह के इंसान चले जा रहे हैं, लेकिन अकलमंद और होशियार शख्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकलमंद और होशियार शख्स वो है जो मौत आने से पहले पहले अपनी मौत की तैयारी करे। और मौत की तैयारी यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचे कि अल्लाह ने मुझे ये जो ज़िंदगी दी है मेरी उम्र कहाँ गुजर रही है, मुझे 50 साल हो गए, मुझे 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैं अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजरना था और मेरी ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ समझेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजारनी थी और किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ने अभी भी मौका दिया है कि अभी भी हमारी कुछ ज़िंदगी का जो वक्त बाकी है, अभी से हम इरादा करें, पुख्ता अहद करें कि अभी मेरी जितनी भी ज़िंदगी जो गुजर चुकी है मैं अल्लाह से तौबा करूँगा, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करूँगा, अल्लाह से माफ़ी मांगूँगा। और मस्जिद के अंदर आकर अगर आप 2 रकअत नमाज़ पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, एक दो आंसू अल्लाह ताला के सामने बहा देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी ज़िंदगी के अगर गुनाह भी किए होंगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह ताला तो माफ़ी को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला कुछ फरमाते उदूनी अस्तजीब लकुम, तुम मुझसे मांगो तुम दुनियादारों से मत मांगो, तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तो तुम्हारी दुआ को कबूल करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन हम दुनियादारों के सामने मांगते हैं, दुनिया वालों के सामने अपने हाथों को फैलाए हुए, जिसकी वजह से आज हम अपनी ज़िंदगी के बारे में परेशान फिर रहे, हैरान और परेशान है। लेकिन अगर हम जिस दिन अल्लाह ताला से मांगने वाले बन जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया के मसाइलों को भी ख़त्म कर देंगे और दुनिया के अंदर भी राहत इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारेंगे और आखिरत के अंदर भी लामहदूद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके भी अंदर हमें कामयाबी अता फरमाएंगे, कामरानी अता फरमाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत नसीब फरमाएंगे। और माशाल्लाह अभी जो मुहर्रम का महीना आ रहा है, ये मुहर्रम का महीना आज जो शुरू है अभी भी,
तो इसके अंदर भी हम बहुत सारे सोचते, उसके अंदर हम रोज़ों का अहतमाम करें कि इसके पीछे हमारे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, लेकिन हम उनकी कुर्बानियों को नहीं जानते, बल्कि हम जुलूस निकालते और दूसरे जो भी दूसरे काम है वो नहीं करने के काम हम करते। अगर हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की कुर्बानी को देखें, उनकी तारीख और हिस्ट्री को पढ़े, तो उन्होंने करबला के मैदान के अंदर भी नमाज को नहीं छोड़ा था। तलवारों के छंकार के अंदर, तलवारों के सायों के अंदर भी उन्होंने नमाज को अदा किया था। लेकिन आज हम देखें कि हमारा ये उजूनिया जो ये गाँव है और हमारी ये मस्जिद जो बड़ा मस्जिद है, अपनी ये मस्जिद है, सब मस्जिद है, लेकिन हम अपने घरों की तादाद देखें तो बहुत सारी घर है, लेकिन मस्जिद के अंदर अगर हम देखते तो हमारी नमाजें बहुत कम है। अगर एक एक इंसान एक एक घर से आए फिर भी पूरी मस्जिद भर जाएगी, बल्कि मस्जिद के बाहर भी सफ़े लगानी पड़ेगी, लेकिन हम अपने बारे में सोचते नहीं है। हम अपने अकाबीर को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को और सहाबा की कुर्बानियों को ज़रा सोचे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के बारे में क्या कुछ, क्या उनको भी अपने बीवी बच्चे प्यारे नहीं थे? उनको भी अपने बीवी बच्चे भी प्यारे थे, उनको भी अपनी औलाद प्यारी थी, अपना वतन प्यारा था, लेकिन सब कुछ कुर्बान इसीलिए कर दिया कि आने वाले क़यामत तक के आने वाले एक एक इंसान तक ये दिन किस तरह पहुँच जाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर पूरी दुनिया के अंदर चप्पे चप्पे के अंदर फैल गए और आज हम तक ये दिन पहुँच चुका है, जिसकी बदौलत हम भी अल्लाह ताला के घर के अंदर बैठकर उसके सामने सर झुकाने के लायक हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो एक मुख्तसर सी ज़िंदगी दी, उसके बारे में ज़रा फिक्र करें, ज़रा सोचें कि हमारा भी ये उजूनिया किस तरह हमारे पूरे गांव के अंदर एक दीनी माहौल बन जाए, हमारा हर नौजवान किस तरह मस्जिद के अंदर आने वाला बन जाए, हमारी मस्तूरात के अंदर पर्दा किस तरह आ जाए, मस्तूरात के अंदर दीनदारी किस तरह आ जाए, बच्चे किस तरह मदरसे में जाने वाले बने और बड़े बूढ़े जितने भी जिम्मेदार किस्म के वो ज़रा बैठ कर सोचे, जो थोड़ी सी फिक्र करें दीन के बारे में और जो रोज़ाना की मुलाकातें करें, तालीम के अंदर मस्जिद के अंदर बैठे, मशवरे के अंदर बैठे और घर घर की मुलाकातें करें, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम अगर फिक्र करेंगे तो हमारी कोशिश रायगा और बेकार नहीं जाएगी। हम जितनी भी फिक्र करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका नफ़ा ज़ाहिर करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका फ़ायदा दिखाएंगे, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह हमारी जो आने वाली नस्लें उनके अंदर भी दीन और ईमान बाकी रहेगा। इसीलिए हमारी जो इतनी ज़िंदगी गुजर चुकी है वो अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और आइंदा की जो ज़िंदगी है उसके बारे में ज़रा सोचे, अपने ईमान के बारे में सोचे। और पांच वक्त की नमाज़ हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है, तो हम उसका अहतमाम करें, इंशाअल्लाह हमारी इस मस्जिद भी आबाद हो जाएगी और हमारा पूरा गांव के अंदर एक दीनी माहौल पैदा हो जाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह फिक्र करेंगे, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे।